टाटा कॉफी टारगेट 23 सितंबर। सो देखिए दोस्तों, मैंने चार्ट रखा है, चार्ट को स्टडी करते हैं। सीधा आपको चार्ट दिख रहा होगा राइट, टाटा कॉफी का। तो देखिए शेयर एक अपट्रेंड में था और फिर देखिए इसने हाई बनाया था 31 अगस्त के बाद, उसी के लेवल पे देखिए ये थोड़ा सा रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा था राइट, कब तक, 16 सितंबर तक। बट 16 सितंबर और 17 20 सितंबर को मार्केट में गिरावट हो गई, शेयर भी गिर गया और देखिए 21 22 सितंबर को मार्केट में रिकवरी हुई, शेयर भी रिकवर कर गया। तो मेरा मानना है दोस्तों कल की डेट में अगर थोड़ा सा मार्केट में पॉजिटिव सपोर्ट रहता है, इसमें ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। फर्स्ट टारगेट 209 क्रॉस किया तो 214 तक का लेवल आपको देख सकता है, तो ये लेवल दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। दूसरा है टाटा कंज्यूमर, तो ये देखिए दोस्तों टाटा कंज्यूमर चार्ट मैंने लगा रखा है, 23 सितंबर का हम चार टारगेट डिस्कस करेंगे। तो सेम चीज है दोस्तों, ये देखिए टाटा कंज्यूमर वो चार्ट बहुत ही सॉलिड चार्ट था और सीधा ऊपर की तरफ मूव कर रहा था 15 सितंबर तक। बट देखिए 16 17 और 20 सितंबर को 3 दिन में अच्छा खासा मार्केट में गिरावट की वजह से शेयर भी टूट गया और देखिए लो बनाया है 854 का। 2 दिन से देखिए 21 22 सितंबर को मार्केट में रिकवर किया बट इसमें कुछ खास रिकवरी नहीं हुई, सेम लेवल पे सपोर्ट है 854 पे, उसी के आसपास सपोर्ट है। तो दोस्तों मेरा मानना है कि अगर ये सपोर्ट राइट ऊपर की तरफ चेंज जा रहा था बट मार्केट में नीचे गिरावट हुई तो ये भी गिरा, बट देखिए मार्केट में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ तो शेयर इंप्रूव नहीं किया है, तो कल की डेट में हो सकता है ये एक क्लियर कट ब्रेकआउट दे और ऊपर का लेवल तो पहला टारगेट होना चाहिए 861 क्रॉस किया तो आपको जो है 876 तक का लेवल दिख सकता है। बट अगर देखिए ये सपोर्ट अगर तोड़ा 853 तो इसमें डाउनवर्ड ट्रेंड बढ़ जाएगा और फिर ये लगभग जो है 845 तक का लेवल दिखा सकता है, ये लेवल सब ध्यान रखिएगा।